के जद में बॉलीवुड सितारों पर बरसा कोरोना का कहर। 34 घंटे में 11 सेलेब्स पॉजिटिव। बच्चन फैमिली तक पहुंचा कोरोना। खैर फैमिली भी नहीं रही अछूती। देश भर में जहां कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना के करीब 9 लाख मामले हो गए हैं। हालांकि तकरीबन 4 लाख लोग इससे ठीक भी हुए हैं, लेकिन मुंबई में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। हालांकि बॉलीवुड पर इसका खासा असर देखने को मिला है। पिछले 34 घंटे में खतरनाक वायरस कोरोना की चपेट में 11 सेलेब्स आ चुके हैं। सबसे पहले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उसके बाद अभिषेक बच्चन ने अपना कोविड टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर ऐश्वर्या और आराध्या की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसकी जानकारी खुद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके दी। लेकिन इसमें एक खुशी की बात ये रही कि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद ही बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके बताया कि उनका परिवार भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गया है। एक्टर ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए दी। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के मैसेजेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने भेजी, माँ के लिए, दुलारी के लिए, राजू और उसके परिवार वालों के लिए, कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी वापस घर आ जाएं। सोशल मीडिया पर पर्सनल मैसेजेस में सबके जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या है कि जब परिवार के 4 सदस्य इस तरह की कोरोना वायरस के शिकार हों तो घबराहट तो होती है, मन के किसी कोने में मायूसी तो बढ़ती है, पर ऐसे में आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों की सांत्वना मिली, तो उससे बहुत ढाढ़स भी बंधा और एक पॉजिटिविटी का भी एहसास हुआ। मम्मी जो हैं वो आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दी गई हैं, राजू और उसका परिवार होम क्वारंटीन में हैं, एंड आई एम श्योर वो अच्छे डॉक्टर्स की देख रेख में हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं उसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता था कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये स्टे सेफ जो वर्ड्स हैं ना, ये महज एक्सप्रेशंस नहीं है, ये एक रियलिटी है, इनको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी क्या हो गया कि लोग सोचते हैं कि हम दूर से थोड़ा खड़ा होकर बात कर रहे हैं, थोड़ा एक रिलैक्सेशन आ गया है, लोग थोड़ा सा इन बातों को भी एंजॉय करने लगे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में बात कर रहे हैं, हमने मास्क लगाया हुआ है। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दैट। इट्स दिस वायरस इज सीरियस। अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, अगर आप लोगों के मतलब पास और कोई चारा नहीं है बाहर जाने के अलावा, तो मत जाइए। ये जो रिलैक्सेशन हो रही है कि 4 महीने हो गए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोगों को घर पर ही बैठना पड़ेगा तभी आप ठीक रहेंगे। उनसे पूछिए जिनके घरों में इस तरह की कोई बातचीत हुई है। सो प्लीज डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन दैट दिस इज नाउ द लेटेस्ट नॉर्म, जस्ट स्पीक अबाउट इट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। इट विल नॉट बी ओके। सो प्लीज टेक इट सीरियसली एंड थैंक यू वंस अगेन आप लोगों के प्यार के लिए, मैं दिल से आपका। एक्टर अनुपम खेर ने बताया कि उनकी मां दुलारी खेर और भाई राजू खेर भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा अनुपम खेर के घर से उनकी भाभी और भांजी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव निकली। और अब टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की फेम एक्टर पार्थ समथान ने भी अपना कोरोना का टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद से कसौटी जिंदगी सीरियल की शूटिंग को रोक दिया गया। उंगली फेम एक्ट्रेस रेचल वाइट कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की। फिलहाल वो होम क्वारंटाइन है। बालाजी टेलीफिल्म्स की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट तनुश्री दास गुप्ता भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया, वे अस्पताल में एडमिट हैं और जल्द छूटेंगी। फिलहाल अमिताभ बच्चन और उनका परिवार ठीक है। ऐश्वर्या की दोबारा जांच हुई और शनिवार को ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल बिग बी ने ट्वीट करके चिंता जताने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।